चेन्नई सुपर किंग्स 10वीं बार आईपीएल फाइनल में पहुंच गई। मंगलवार को चिपॉक में खेले गए पहले क्वालिफाइड मैच में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराया। मैच के बाद धोनी ने आईपीएल के रिटायरमेंट पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लेने के लिए 8-9 महीने का वक्त है। मैच के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक ने भी धोनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम विकेट गंवाते रहे, धोनी दूसरी ओर गेंदबाजी में बदलाव करते रहे। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एमएसडी से पूछा था कि क्या चेन्नई के दर्शक आपको फिर यहां देखेंगे, तो धोनी बोले कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं यहां फिर खेलूंगा या नहीं। उसके बाद भोगले ने धोनी से सवाल पूछा क्या चिपॉक इस सीजन में खेलने के लिए लौटेंगे। धोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि मुझे नहीं पता, मेरे पास फैसला करने के लिए 8-9 महीने हैं, अभी इसको लेकर वो सिर दर्द नहीं लेना चाहते। धोनी ने कहा चाहे मैं बतौर खिलाड़ी रहूं या किसी और रूप में उनके साथ बैठा रहूं, फिलहाल मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि मैं सीएसके के साथ बना रहूंगा। मैं जनवरी से ही घर से बाहर हूं, मार्च में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अब आईपीएल का मिनी ऑक्शन दिसंबर में है, अभी इसमें समय है, मैं अभी इसको लेकर नहीं सोच रहा हूं। धोनी ने सीएसके के 10वीं बार फाइनल पहुंचने पर कहा आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, पहले 8 टीमें खेलती थी, अब 10 टीमें खेल रही हैं, ऐसे में कोर फाइनल कहना सही नहीं होगा। ये 2 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा है, सभी का इसमें योगदान रहा है। हम मिडिल ऑर्डर को पर्याप्त मौके नहीं मिल पाए, लेकिन हम जहां पर हैं उससे खुश हैं।